तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि कंसिडर सिस्टम ऑफ एन डिस्टिंगजुबल पार्टिकल विथ टू एनर्जी लेवल ऑफ फॉर ईच पार्टिकल, ए ग्राउंड स्टेट विथ एनर्जी जीरो एंड एक्साइटेड स्टेट विथ एनर्जी ई। आपको दो स्टेट दे रखे हैं, एक ग्राउंड स्टेट और एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या कोई एक्साइटेड स्टेट दे रखे है, जो जिसकी एनर्जी है वो जीरो से ग्रेटर देना है। व्हाट इज़ द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल एज द सिस्टम टेम्परेचर टी इनफाइनाइट हो जाए, तो आपको बताना है एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। और आपको दे रखे है दो एनर्जी लेवल, जो पहले जो हमारा ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी जीरो और उसकी जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है उसकी दे रखी है हमें एप्सिलॉन, और जो हमारे यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो जीरो से ये हमें दे रखा है। और आपको पूछ रहा है द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द एवरेज एनर्जी बता दीजिए। तो जो हमारी एवरेज एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, समेशन आई इक्वल टू ई आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई, समेशन आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। और यहाँ पर हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी जो एनर्जी है वो जीरो ई टू दी पावर माइनस बीटा जीरो, प्लस जो हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी ई है एप्सिलॉन है ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन ई टू दी पावर माइनस बीटा एनर्जी जीरो प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा एनर्जी एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन। तो इसको जब आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ गया, तो यहाँ से जीरो इंटू समथिंग तो जीरो प्लस एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन ई टू द पावर जीरो वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन माइनस बीटा एप्सिलॉन। तो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी आ रही है हमारे पास एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन वन प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। और यहाँ पर जो हम जानते हैं जो हमारा बीटा होता है, बीटा इक्वल्स टू इनवर्स टेम्परेचर होता है वो के बी टी, यहाँ पर के बी होता है बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट और टी हमारा टेम्परेचर। तो अब देखिए आगे, अब आगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसको आप कॉमन यहाँ से हटाना है, तो इसको ऊपर से भी कॉमन और नीचे से भी कॉमन लेंगे तो क्या होगा ई टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन वन प्लस ई टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन और यहाँ से भी माइनस बीटा एप्सिलॉन, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन। यहाँ पर आप बीटा की वैल्यू पुट कीजिए, एप्सिलॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन के पी टी एप्सिलॉन, और टी जब इनफाइनाइट होगा तो जो हमारी एवरेज एनर्जी वो आएगी वो कितनी आएगी, एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन इनफाइनाइट टी, और वी आर नो दैट वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो एवरेज एनर्जी आएगी एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो एप्सिलॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन के बी टी एप्सिलॉन और वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल्स टू जीरो। तो ये टर्म बन गई हमारे पास जीरो एप्सिलॉन वन प्लस ई टू द पावर जीरो एप्सिलॉन, तो यहाँ से ई टू द पावर जीरो वन तो वन प्लस वन, तो एवरेज एनर्जी है वो आई हमारे पास ये आई एवरेज एनर्जी। और जो हम ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए दे रखा है हमें जीरो, ऑप्शन बी है हमारे पास एप्सिलॉन बाय टू, ऑप्शन सी है हमारे पास एप्सिलॉन, और जो ऑप्शन डी है वो इनफाइनाइट। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो यदि आप इसमें एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला था
वो आपको पता था तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर से आप देखिए जो एवरेज एनर्जी है वो हमारे पास होती है समेशन ऑफ आई, यहाँ पर ई आई ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई, ये है एवरेज एनर्जी। यदि ये आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एक डायोटोमिक आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज एक्सपेंड एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जो कांस्टेंट प्रेशर है वो पी नोट दे रखा है हमें। इफ़ द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज क्यू 14 जूल, और जो हमारी गैस है वो 14 जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, वॉट इज़ द मैक्सिमम वर्क इन जूल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। तो आपको जो वर्क डन है मैक्सिमम वो ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात करना है। तो आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे, अब देखिए डायोटोमिक गैस है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 5, और यहाँ पर जो हमारा थर्मोडाइनमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो है क्यू इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, हमें डब्ल्यू फाइंड करना है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस यू, ये इक्वेशन है। इसमें हमें क्यू फाइंड जो हमें दिया हुआ है वो यू हमें निकालना है। तो जो यू होता है वो देखिए यू इक्वल्स टू किसी भी प्रोसेस के लिए जो हमारा हमें दे रखा है कि गैस वो 14 जूल की हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो क्यू इक्वल्स टू, एंड यदि वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो एन सी पी सी वी पी डेल्टा टी। तो क्यू की वैल्यू है 14, नंबर ऑफ मोल हमें मान लीजिए 1 है एन को, और सी पी हम जानते हैं जो हमारा सी पी होता है सी पी बराबर सी वी प्लस आर, तो हमारा जो सी वी है सी वी होता है सी सी वी बराबर एफ बाई टू आर। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायोटोमिक गैस होती है उसके लिए 5/2 R, तो ये आ गया 5/2 R प्लस आर, तो आएगा सी पी की वैल्यू आएगी 7/2 R। तो यहाँ पर रखिए 7/2 R डेल्टा टी, आपको पता चलेगा हम ये फाइंड क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/R। अब इसको जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है वो होता 8.314, तो यहाँ पर 4/8.314 इसको जो सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ∆T टेम्परेचर आएगा वो सेंटीग्रेड में आएगा, वो आएगा 0.8481 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास ∆T की वैल्यू आ गई। हमारे पास ∆T कितना आया, ∆T प्लस टू 0.481 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये देखिए ये आपको पता है जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो है यदि कांस्टेंट प्रेशर पर हो वो सी पी आएगा, और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो सी वी डेल्टा टी। तो हमें क्यू दे रखा है 14 और सी वी की वैल्यू है 7/2 R डेल्टा टी, हमें यहाँ पर हमने डेल्टा टी फाइंड कर लिया। अब देखिए हाँ जो इंटरनल एनर्जी होती है यू प्लस टू एन सी वी डेल्टा टी, अब यहाँ पे हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यू की वैल्यू फाइंड करें तो हमें डेल्टा टी जो फाइंड करना था, तो हमने डेल्टा टी को पहले ही फाइंड कर लिया, तो
एन इक्वल एन वन मोल यदि दिया हुआ तो आप वहाँ लिख सकते हैं। तो सी बी की वैल्यू है 5/2 आर। डेल्टा टी है हमारे पास 0.481 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2 × 8.314 × 0.481। इसको सोल्व करेंगे तो आप देखिए ये आएगा 9.99 जूल। इंटरनल एनर्जी आ गई हमारे पास 9.99 जूल। अब इस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड कर यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए डब्ल्यू इक्व टू क्यू माइनस यू, हमारे पास जो हीट दे रखी थी वो हमें 14 जूल और माइनस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी आई वो आई 9.99 जूल। तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4 जूल। जो हमें ऑप्शन दे रखा है उसमें ये एक करेक्ट जो ये है न्यूमेरिकल टाइप में था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर 4 होगा। ये 4 आंसर। अब देखिए फिर से बता देते हैं आपको किस तरह हुआ है। जो हमारी गैस एक्सपेंड हो रही थी वो हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पर, P0 हमें प्रेशर दे रखा था। अब देखिए जो जो गैस थी आइडियल गैस थी वो 14 जूल की जो हीट है वो उसको उसने एब्जॉर्ब किया। तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है क्यों इक्वल्स टू, यदि वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो CP ΔT, और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है तो CV ΔT। हमारी गैस अब जो दे रखा था क्वेश्चन में वो दे रखा था कांस्टेंट प्रेशर पर, तो CP ΔT। और CP की वैल्यू हमें पता है CP = CV + R। CV होता है F/2 R + R। तो यहाँ से आएगा जो हमें गैस दे रखी थी आइडियल है वो थी डायो एटोमिक गैस, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 + 1 R। तो CP की वैल्यू आई हमारे पास 7/2 R। ये आ गई हमारे पास CP की वैल्यू। अब CP की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम तो 7/2 R ΔT। हमें डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम जब जो इंटरनल एनर्जी निकालें तो उस इंटरनल एनर्जी की जो टर्म उसमें डेल्टा टी की जो टर्म आएगी उसमें हम वहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर सकें। हमें क्यू दे रखा था 14, तो 14 = 7.7/2 R ΔT। अब इस डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ से 14 × 2/4 R यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो आई थी हमारे पास 0.481 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ गई डेल्टा टी की वैल्यू। अब डेल्टा टी और देखिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है U = NCV, किसी भी गैस के लिए NCV ΔT। तो N नंबर ऑफ, यदि हमें नहीं बता रखा है कि कितने मोल है, तो 1 CV 5/2 R × ΔT की वैल्यू हमने निकाली 0.481। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9.9 जूल। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं 10 जूल। तो हमारे पास जो थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, Q = U + W। हमें वर्क फाइंड करना है तो W = Q − U। क्यू दे रखा है 14 − 10 = 4 जूल। ये आ गए हमारे पास राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम फिर से जो थर्मोडाइनमिक्स के दो जेस्ट 2019 के क्वेश्चन शेष रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।